ये है Realme 9 Pro Plus 2022 का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन जो कि आपको 25,000 के अंडर देखने को मिलता है। लेकिन अभी बात क्या है ना कि अभी हम लोग आ चुके हैं 2023 के अंदर और ये वाला फोन अब थोड़ा पुराना हो चुका है। मुझे खुद इसको यूज करते हुए 1 साल हो चुके हैं और बहुत सारे लोग आज भी मुझसे पूछते हैं कि इस फोन को खरीदना सही रहेगा नहीं रहेगा। और ऑनेस्टली मैंने इस पे काफी रिव्यूज बना के रखे हुए लेकिन वो सारे आज कोई भी सेंस नहीं बनाते। कोई सेंस है इस बात की? क्योंकि आप खुद जानते हो कि अभी 2023 आ चुका है, ये 2022 का फोन, पहले फोन अलग था, अभी का फोन अलग हो गया। पहले 2022 में एंड्रॉइड 12 पे आता था, अभी एंड्रॉइड 13 पे आ रहा है। मार्केट में पहले कंपटीशन नहीं था, अभी भाई भर भर के कंपटीशन आ चुका है। तो अभी इसको खरीदना सही चॉइस रहेगी कि नहीं उसको मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब करके रखा तो सब्सक्राइब कर लो और शुरू करते हैं। पर्सनली मुझे इस फोन के बारे में एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि इसके अंदर आपको 3.5 mm का जैक देखने मिलता है। अभी जितने भी कंपटीशन में इसके फोन आ चुके हैं अंडर 25,000 उनमें एक दो में है, बाकी समय तो नहीं है। और 3.5 mm जैक सुनने में लगा कि भाई कितनी छोटी चीज है, लेकिन आप सोच के देखो अगर आप इसके लिए एक ब्लूटूथ हेडफोन खरीदने चले जाओ तो 2-3 हज़ार रुपए आपके उसमें एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे जो कि आप बचा सकते हो। बाकी डिजाइन का ये सबसे बड़ा हाईलाइट था, लेकिन एक और हाईलाइट है कि इसके अंदर आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है जो कि बहुत सारे फोन्स में नहीं है, प्लास्टिक दे रहे हैं सब, अपने टाइम का किंग था ये। ओके, उतना पुराना भी नहीं हुआ क्योंकि अगली चीज जो मैं कहने वाला हूँ कि वही चीज है, उतना पुराना नहीं हुआ है क्योंकि इसके अंदर आपको 4 साल अपडेट्स मिलने वाले थे। रियलमी ने वादा किया था 2022 में आया तो फिर अपडेट 2026 तक मिलेगा अगर मेरा मैथ सही है। और इन 4 साल के अपडेट्स में आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे जो कि एंड्रॉइड 12 से एंड्रॉइड 14 तक जाते, तो 12 से अभी 13 आ चुका है, 13 से आगे 14 आपको मिलेगा। तो फोन आउटडेटेड नहीं है, इसमें आपको अपडेट्स 26 तक मिलने वाले जो कि अगेन इस फोन का काफी एक बड़ा हाईलाइट है। और अब जो इस फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट मुझे लगती है वो कैमरा नहीं है, कुछ और है जो कि है पैसे। ये फोन 2022 में 25,000 के अंडर आता था और अभी 2023 के अंदर ये 20,000 का सेगमेंट वाला फोन बन चुका है। मतलब अभी इसका दाम 25,000 रहता है लेकिन सेल्स वगैरह या फिर जो ऐसी नॉर्मल कैजुअल सेल होते हैं फ्लिपकार्ट पे, उस पर आपको ये अंडर 20,000 आराम से मिल जाएगा। सेल वगैरह में 16-17 का भी मिल सकता है, 17 का तो मिल ही रहा था पिछले साल। तो आप अगर इसको सेल वगैरह में बाई करोगे तो फिर एक और हाईलाइट जो रहती है इसकी प्राइस की कि आपको कम प्राइस देना पड़ेगा। खैर, अब सेकंड बिगेस्ट हाईलाइट जो कि आपको पता है कैमरा है। और जैसा मैंने कहा था कि 2022 का ये बेस्ट कैमरा फोन था 25 के अंदर और अभी 20 के अंदर मिला, और 20 के अंदर कोई भी फोन नहीं है जिसके अंदर आपको सोनी IMX766 देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल के नाइट कैमरा सेंसर और OIS के साथ। ये अभी वीडियो जो शूट हो रही है ये Realme 9 Pro Plus से शूट हो रही है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि 4K पे अभी स्विच कर लो वीडियो की क्वालिटी को ताकि आपको सब कुछ अच्छे से पता चल सके। कलर्स वगैरह जो आप देख पा रहे हो ये नेचुरल है, कुछ भी मैंने इसमें छेड़छाड़ नहीं किया, जो चीज पहले से रहती वही है। बाकी ऑडियो भी मैंने स्विच कर दिया है Realme 9 Pro Plus के ओरिजिनल ऑडियो पे। पहले जो सुन रहे थे वो इस माइक से आ रहा था, लेकिन अभी जो ऑडियो आ रही है Realme 9 Pro Plus की, तो ऑडियो का भी थोड़ा अंदाजा आपको लग जाएगा। बाकी वीडियोस का हाल आउटडोर में कैसा है मैं दिखाता हूं। तो अभी मैं अपने छत पे आ चुका हूं और आपको थोड़ा आउटडोर में किस टाइप से वीडियो आती है उसका थोड़ा अंदाजा चल जाए, क्योंकि अब आउटडोर छत पे धूप वगैरह आ रही है तो देख लो किस तरीके से स्क्रीन टोन को मैनेज करा, कंट्रास्ट वगैरह कैसा, आप सब कुछ अपने आप से देख ही पा रहे होगे। ऑटो फोकस का ये टेस्ट देख पा रहा हूं मैं, अपने फोन को जैसे ही लाता हूं तो उस पे तुरंत फोकस हो जाता है, हटाता हूं तो आउट ऑफ फोकस। बार बार करोगे तो बार बार मतलब ऐसा ही होगा, तो ऑटो फोकस कह सकते हैं काफी सही है। तो अब मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को जो भी फोटोज देखने को मिलती है देखने में तो सही सही लगती है, लेकिन जो एक बात आप सोचोगे कि भाई तूने इसको डीमेरिट्स के अंदर क्यों रखा, देखने में तो सब सही लग रहा है। इस फोटो में देखो डिटेल भी काफी सही आई है, पीछे ब्लर दे दिया इतनी छोटी सी चीज पे, डायनामिक रेंज भी काफी सही है, तो डीमेरिट्स कहाँ से आ गई। तो डीमेरिट्स कैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि आप इस फोटो को देख सकते हो ये 9 Pro Plus से खींची गई, थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं करके रखा, इसी टाइप की फोटो आई थी। इसको अगर मैं रियलमी कहीं नॉर्मल ऐप से अगर थोड़ा मोड़ा एडिट करता हूँ तो कुछ इस टाइप की फोटो बन जाती है जो कि काफी है पहले वाले से, कंट्रास्ट पहले में काफी ज्यादा था, इसमें मैंने काफी इसको सही कर दिया, टोन्स। बाकी इस फोटो को भी देखो, इसके अंदर जो आपको डायनामिक रेंज देखने को मिलता है वो उतना ज्यादा बेटर नहीं है। मैंने पहले भी बहुत सारे कैमरा टेस्ट किए हुए, पहले भी इसका रिव्यू मैंने बनाया था, तो सिमिलर फोटो एक खींची थी मैंने और उसका डायनामिक रेंज और अभी के डायनामिक रेंज में अंतर है। ऐसा क्यों, एक साल पहले भाई फोटो अच्छी आ रही थी और अभी फोटो कंपैरेटिवली थोड़ी खराब की है। अब इस चीज के दो रीजन हो सकते हैं जो कि मुझे लगता है। देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि जो Realme 9 Pro Plus है इसके अंदर पहले Android 12 का अपडेट था और अभी एंड्रॉइड 13 का अपडेट आ चुका है। और आपको और मुझे सबको पता है कि Realme का जो कंपेटिटर ब्रांड्स है वो Xiaomi हो गया, वो Samsung से टक्कर या फिर iPhone से टक्कर नहीं लेते, वो Xiaomi से लेते हैं, iQOO से लेते हैं, Poco से लेते हैं। और इन सब की एक चीज होती है कि ये आपको चीजें बहुत ज्यादा दिखाते हैं। तो अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 13 का अपडेट सबसे पहले आता है तो आप अच्छे ब्रांड जाने जाओगे और इसी चीज के कारण Realme औकात से ज्यादा बढ़ के मतलब अपडेट्स देने लगता है और उस वजह से अपडेट्स अच्छे नहीं आते, जिसके कारण कैमरा डिग्रेड होते जाता है। एंड्रॉइड 12 से एंड्रॉइड 13 का जो ट्रांजिशन था उसमें कैमरा डिग्रेड
डिग्रेड हो गया। बाकी ये जो डिग्रेड है ये अपडेट से ठीक हो जाएगा, रियलमी ही इसको ठीक करेगा। लेकिन दूसरा रीजन जो कि ट्रू हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कि रियलमी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि एक फोन उन्होंने अभी जस्ट निकाला है 10 Pro Plus, और वो जानते हैं कि लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो एक बहुत ही कोइंसिडेंस की बात है कि 10 Pro Plus जैसे ही मैंने खरीदा और कुछ फोटोज क्लिक किए तो देखा कि हाँ ठीक ठाक कैमरा है, लेकिन उसके अंदर दो दो अपडेट्स आ गए जिसके बाद कैमरा इंप्रूव हो गया, और 9 Pro Plus के अंदर भी एक अपडेट आ गया जिसके बाद कैमरा डिग्रेड हो गया। वो 4K पे थोड़ा सा मतलब लैगिंग रिकॉर्डिंग होने लग गया। आपके पास अगर पहले से हो तो काफी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही, तो थोड़े प्रॉब्लम 9 Pro Plus में आ गए और थोड़ी सी चीजें 10 Pro Plus में इंप्रूव कर दी गई। तो आप समझ सकते हो क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो बात है भाई यही है कि कैमरा डिग्रेड है, लेकिन इतना भी डिग्रेड नहीं कि आप 20,000 पे एक्सेप्ट नहीं करोगे, और 25-30 के फोन्स को भी ये टक्कर देता है। उतने अच्छे तरीके से कंपैरिजन जीत नहीं पाएगा क्योंकि अभी इसका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, लेकिन वो भी हो जाएगा। बाकी परफॉर्मेंस में इस फोन ने अभी तक मुझे निराश नहीं किया। आप इस पर हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हो, थोड़ी मोड़ी जो एडिटिंग करनी रहती है वो भी कर सकते हो। उतना गर्म नहीं हो जाता जितना स्नैपड्रैगन 778 होता है, तो हीट मैनेजमेंट भी काफी सही है, और डायमेंसिटी 925G के साथ आता है जो कि एक 5G प्रोसेसर, और ये फोन भी 5G है। बाकी 5G से रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम है इस फोन में जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपने नहीं देखा तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि देख लो, क्योंकि उससे फर्क पड़ सकता है आपके डिसीजन पे कि खरीदना है नहीं खरीदना। ऊपर मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस फोन को 2023 में ले या नहीं ले। तो देखो मैं क्या कहूँगा कि अगर ये आपको 20,000 के नीचे मिलता है तो इसको जरूर से ले लो, क्योंकि 20,000 के नीचे आपको अभी भी इससे बेस्ट फोन नहीं मिलेगा। हाँ थोड़े मोड़े प्रॉब्लम्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर में होते रहते हैं, लेकिन इसकी कम्युनिटी भी काफी सही है, इसके अंदर आपको अपडेट्स भी काफी जल्दी मिलते हैं। अब वो बात अलग है कि पिछले 2 महीने में थोड़ा सा अपडेट्स डिले है, लेकिन मिलते हैं। तो अगर खरीदने की सोच रहे हो तो खरीद सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर 20 से नीचे है तो ही, क्योंकि अगर 25 वगैरह स्पेंड करो तो फिर आप और भी ऑप्शंस देख सकते हो जो कि अभी मार्केट में लेटेस्ट हैं, उनको ले सकते हो, एक लेटेस्ट वाला फैक्टर भी मिल जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करने रखा तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिल जाऊंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।